हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा, निशा फूड क्रस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज निशा की रसोई में बनाने जा रहे हैं सोमवार व्रत स्पेशल स्मूदी बनाना, मैंगो स्मूदी, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, जो कि पूरे दिन की थकान को दूर करती है और आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने मैंगो लिया है, इसे धुल लिया है और दो बनाने ले लिए हैं और इन सब चीज़ों को हम यूज़ में लेंगे। तो हम मैंगो एक लिए हैं, कट करके हम दो रखेंगे, मतलब डालेंगे दो। हनी लिया ले लेंगे, जो आपके पास है वो ले लीजिएगा। मैंने काजू लिया है और किशमिश लिया है, फ्लेवर के लिए दो इलायची ली है। और उसके बाद देखिए, दोनों मैंगो को भी कट कर लिया, दोनों बनाना को कट कर लिया। एक दो पीसेस मैंने बनाना की रख दी है, जिससे कि हम सर्विंग टाइम पर उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैंगो दो कट कर लिए हैं, उनका भी हम सर्विंग टाइम पर यूज़ करेंगे, इसलिए दो चार पीस मैंने रख ली है। और मैंगो में और बनाना में हमें डालना है 2 चम्मच मिल्क पाउडर, जिससे कि टेक्स्चर और टेस्ट बहुत टेस्टी आता है। अगर आप व्रत में मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करते हैं तो इसे यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े डाल लेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अब थकान दूर करेगा, बिल्कुल चिल्ड बनकर रेडी होगा। क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी देर के लिए इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, मगर हम तुरंत बनाएंगे, तुरंत यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ डाला है और ठंडा ठंडा चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब गर्मी की टाइम होती है, थकान को दूर करती है। तो यहाँ पर देखिए, 1 कप दूध मैंने पूरा डाल दिया, 2 हरी इलायची डाली है, हनी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच और उसके बाद इसको हम करेंगे ग्राइंड। तो अच्छे से ग्राइंड करना है, 1-2 पीस रह जाएगी तो कोई बात नहीं, उसे जब वो मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा हमारा स्मूदी बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। सर्व जब हम करते हैं अच्छे से, तो उसे पीने में, खाने में और देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है, उसे पीने में या फिर खाने में मन करता है कि कब उसे वो मिले और हम खा लें। तो यहाँ देखिए, तो फ्रेंड्स, सर्व करने के बाद इस तरह से जो मार्केट में ग्लास आती है ना कांच की, और सर्व करके देते हैं तो पीने में बहुत अच्छा लगता है, जबकि देखने में अच्छा लगता है, तो हम लोग उसे ज़रूर ख़रीदते हैं। और यहाँ पे देखिए, किशमिश डाला, काजू डाला, ये अपनी पसंद है कि आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं तो डालिएगा, आपके पास हैं तो डालिएगा, देखने में भी अच्छे लगते हैं। और व्रत के टाइम पे पूरे दिन आप कुछ नहीं ले रहे हैं, थकान है, खाना नहीं लेते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत ही हेल्दी है। अब चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हर किसी के लिए हेल्दी है। फ्रेंड्स, बच्चे बाहर से आ रहे हैं स्कूल से, तो उन्हें कुछ ठंडा पीने का मन है, तो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की जगह ये आप बना के देंगे ना, तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर कुछ मैंगो की और कुछ बनाना की स्लाइस डाल के, उसके ऊपर से हनी डालकर ये मैंने सर्व कर लिया। बहुत ही टेस्टी था, जो कि मेरी बेटी को, जो कि बहुत कम ये सब चीज़ें पसंद करती है, वो पसंद ही नहीं करती, मगर उसे ये बहुत अच्छा लगा था। और वो स्कूल से आने के बाद ये ज़रूर बनवाती है और बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि बच्चों के लिए फ्रूट्स बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पे 3 ग्लास बना है, तो मैं 2 ग्लास सर्व कर रही हूँ। और देखिए, बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारी ड्रिंक बनकर रेडी हो गई है। तो व्रत में इसे इंजॉय ज़रूर करिए, आज सोमवार का व्रत है, तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, व्रत की रेसिपी मेरे चैनल पे बहुत सारी अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर मखाने की खीर है, ड्राई फ्रूट्स की खीर है और आलू का हलवा है, बहुत तरह की रेसिपीज़ हैं, ड्रिंक है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत टेस्टी है, साबूदाने की खीर है। जो चीज़ आप यूज़ करते हैं व्रत में, हर रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से चेकआउट करिए और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जाऊँगी। आप लोग इस समय पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।